लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजद सुप्रीमो और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MP MLA कोर्ट ने सालों पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू यादव को फरार घोषित किया गया था। जानकारियों के मुताबिक यह मामला साल 1995 से 97 का है। पुलिस जांच में पता चला था कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कुल 3 फर्मों से हथियार और कारतूस खरीदे गए थे। इस मामले में लालू यादव समेत 23 आरोपियों का नाम शामिल है। इनमें से 6 के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 अब भी फरार है। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दायर किया था। लालू यादव के खिलाफ मामला MP MLA अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब अदालत आश्वस्त हो गई थी कि दस्तावेज में उल्लिखित लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस मामले में ग्वालियर जिला न्यायालय के ADPO अभिषेक मल्होत्रा ने बताया कि MP MLA ग्वालियर जिला मजिस्ट्रेट ने बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वर्ष 1995-97 के एक मामले में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें अवैध फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियार खरीदे गए और हथियारों की आगे सप्लाई की गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के 23 लोग आरोपी हैं, जिसमें बिहार के पूर्व CM और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव का भी नाम शामिल है। वहीं इस मामले में जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में लालू प्रसाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज होना गंभीर जांच का विषय है। अभी तक तो उनके खिलाफ बिहार, झारखंड और दिल्ली में ही मामला दर्ज था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी हो गया है। नीरज कुमार ने सवाल पूछते हुए कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ किन राज्यों में मामला दर्ज हुआ, इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने राजद की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति पहले से सजायाफ्ता हो और जिनके खिलाफ और भी मामले दर्ज हों, ऐसे लोग दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ों की भलाई की बात कैसे कर सकते हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।